हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले लेक्चर में बबल पॉइंट और डी पॉइंट के बारे में आपको बता चुके थे, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड भी हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे और उस सॉल्यूशन का क्या करेंगे बच्चों, वेपर प्रेशर मेजर करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मेजर करने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, कौन सा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होता है। तो बच्चों सब्सटेंस को उसके वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग ये लेते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बेसिस पे सब्सटेंस के कितने टाइप हो सकते हैं? तो पहला टाइप बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल वर्ड से ही समझ आता है कि वेपर बनाएगा, उड़ने वाला सब्सटेंस। क्या हो जाएगा बच्चों? उड़ने वाला, मतलब वेपराइज होने वाला। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि द सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू वेपोराइज एंड हैव ए सफिशिएंट वेपर प्रेशर। मतलब कि जो भी सब्सटेंस वोलेटाइल होंगे उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ रहेगा, प्योर वेपर प्रेशर, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, मतलब उसके खुद का वेपर प्रेशर बनेगा और वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रह सकता है या फिर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आप जैसे याद रखने वाटर अंदर के वाटर क्या देख रही है, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जनरली ये जो वोलेटाइल सब्सटेंस होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड फेज में होगा। इसका जो फिजिकल स्टेट है बच्चों, तो ये जनरली इसका जो फिजिकल स्टेट होगा वो हम लोग क्या ले सकते हैं बच्चों, लिक्विड। अगर फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे, वेपराइज करेंगे, और वेपराइज करेंगे तो उसके वेपर प्रेशर बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए वाटर ले लें आप, अल्कोहल कोई भी ले लें, बेंजीन ले लें, ठीक है, ये सब सब्सटेंस होता है बच्चों, टॉलिन ले लें आप, ये सब सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, वोलेटाइल है, मतलब इसका खुद का वेपर प्रेशर क्वेश्चन में पूछ सकता है या दिया हुआ रहेगा बच्चों। दूसरा है नॉन वोलेटाइल। दूसरा क्या है? नॉन वोलेटाइल। तो आप इसमें सिर्फ तरीके से लिख सकते हैं, जिसके पास वेपराइज होने का टेंडेंसी नहीं होगा, उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो अगर हम इसी तरीके से लिखें तो ये लिख सकते हैं आप, पी नॉट का वैल्यू इसके लिए कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। पी नॉट का वैल्यू इसके लिए आप कितना ले लेंगे, जीरो, क्योंकि ये वेपर बनाएगा ही नहीं, मतलब ये वेपर बनाएगा नहीं, इसके कारण प्रेशर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं, या आप इसका अगर फिजिकल स्टेट की बात करें, इसका फिजिकल स्टेट जो होगा वो क्या होगा बच्चों, सॉलिड। सॉलिड सब्सटेंस कभी भी वेपराइज नहीं करता है। जैसे कि इसमें कॉमन एग्जाम्पल यूरिया आएगा, ग्लूकोज आप ले सकते हैं, ठीक है, फ्रुक्टोज ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, ये सब जो भी है, ठीक है, वो सब के सब क्या कहलाएंगे बच्चों, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस और वोलेटाइल सब्सटेंस के बारे में हम लोग को समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी दो कंपोनेंट को यूज करके हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। ये अब सॉल्यूशन जब बनाएंगे तब देखना होगा हमें कि उसके अंदर किस तरीके का सॉल्वेंट और किस तरीके का सॉल्यूट यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जज करेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक आप लेंगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये बच्चों यहां से आपको
आपको सवाल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप वेपर प्रेशर किसका निकालेंगे, सॉल्यूशन का, तो इसके लिए एक लॉ आया है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से ही हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिसाइड किससे होता है, तो ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज डिसाइडेड बाय Raoult's law. Raoult's law. ये बात हमेशा ध्यान रखें, किसी भी सॉल्यूशन का अगर आपको वेपर प्रेशर निकालना है तो वो हमेशा किससे डिसाइड होगा, Raoult's law से डिसाइड होगा। अब समझते हैं Raoult's law का कहना क्या है, Raoult's law का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, Raoult's law का स्टेटमेंट क्या होता है। तो बच्चों इसका कहना ये है, Raoult's law हमें ये बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन आप ले लें तो किसी भी सॉल्यूशन में जो वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, कौन सा कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, उसका वेपर प्रेशर आएगा। तो कहता है क्या कि वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन में। मतलब इधर इसका स्टेटमेंट लेके इनको आप ऐसे लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट, आप लिख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इन इन एनी सॉल्यूशन, इन एनी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, इट्स मोल फ्रैक्शन इन इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। अब जैसे ये स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, इसी से हमारा सारा कैलकुलेशन होगा, यही स्टेटमेंट से हम लोग सारे कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। अब जैसे देखें, जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस वक्त हम लोग को समझ में आ गया, कोई भी सॉल्यूशन अगर हमारे पास आता है और वहां पे अगर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना होगा, तब हम लोग राउल्ट्स लॉ को यूज करेंगे। और राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि कोई भी वोलेटाइल कंपोनेंट है जो वेपर बना सकता है, उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसके कारण सॉल्यूशन में, वो डिपेंड करता है उसका कितना मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में मिलाया गया सॉल्यूशन तैयार करने के लिए। अब जैसे देखिए हम केस पहला लेते हैं, हम यहाँ पे केस पहला इसलिए ले रहे हैं बच्चों क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन बनाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये होगा कि हमारे पास एक वोलेटाइल कंपोनेंट हो और एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट हो। दूसरा केस हमारा ये होगा कि दोनों ही कंपोनेंट क्या हो जाए, वोलेटाइल हो जाए। जैसे मान लीजिए वाटर और अल्कोहल को मिक्स कर देंगे, यहाँ दोनों ही लिक्विड है तो दोनों ही वोलेटाइल होगा, ये दूसरा केस होगा हमारा। तो बच्चों अभी पहला केस ले जाए, पहला केस ले जाए मतलब कि अभी हम वैसे सॉल्यूशन का, हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम वैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे जिसमें एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट वोलेटाइल होगा और दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल होगा। तो अब बात आता है कि किसको वोलेटाइल रखेंगे, किसको नॉन वोलेटाइल रखेंगे। तो बच्चों हमारे पास ऑप्शन सिर्फ सॉल्यूट का है, हमारे पास ऑप्शन किसका है, सिर्फ सॉल्यूट का है, आप उसको वोलेटाइल कर सकते हैं या नॉन वोलेटाइल कर सकते हैं। सॉल्वेंट हमेशा वोलेटाइल ही लेना है, सॉल्वेंट हमेशा वोलेटाइल ही लेना है। तो जो दो केस बनेंगे बच्चों सॉल्यूट के ऊपर बनेंगे कि सॉल्यूट हमेशा क्या हो सकता है, ये सॉल्यूट हमेशा सॉल्यूट वोलेटाइल हो सकता है, नॉन वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, वोलेटाइल ही होगा, वाटर हो या कोई दूसरा लिक्विड हो, लेकिन लेना लिक्विड ही है। तो इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट, यहां पे सॉल्वेंट क्या, वोलेटाइल एंड एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो बच्चों ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, जब भी हम सॉल्यूशन लेंगे तो सब्सटेंस जो ये सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा वोलेटाइल ही होगा, ठीक है। सॉल्यूट में दो ऑप्शन है, ये वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल हो सकता है, तो भी हम पहला केस ले रहे हैं। आप सोचिए बच्चों अगर ऐसा
आप लेंगे तो क्या होगा सिचुएशन। तो आप पहले ये देखें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा हमें, तो सॉल्यूशन चूंकि हमें बनाना है तो सॉल्वेंट हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो मान लें कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है, कोई भी हो सकता है, वाटर ले लें, अल्कोहल ले लें, बेंजीन ले लें, टॉलिन ले लें, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वाटर ही हो। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मान लीजिए सॉल्वेंट है, ये क्या है सॉल्वेंट है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, कोई भी सॉल्वेंट है जिसको हम लोग क्या मान रहे हैं बी मान रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऊपर से मिला लेंगे, इसको क्या करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिला दिए। अब सोचिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ए मान लेते हैं, मान लीजिए कोई ए है जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो जैसे ही सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को मिलाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, या आप इसको ऐसे समझे थोड़ा सा, इसको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखा था, इसके डिपार्टमेंट बनाना, मान लीजिए कि ये अभी सॉल्वेंट भी है तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखाते हैं, तो ये हमारा सॉल्वेंट भी है, ये सरफेस के सबका सब क्या बच्चों भी है। और ये ध्यान रखें ये जो सॉल्वेंट है वो क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए, इनसॉल्युबल नहीं, ये कैसा होना चाहिए सॉल्युबल सॉलिड होना चाहिए, इनसॉल्युबल रहेगा तो काम नहीं चलेगा, मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सॉल्युबल सब्सटेंस को ऐड करते हैं, आप सोचिए कि जैसे ही ये सॉल्युबल सब्सटेंस इसके अंदर ऐड होगा, इसके अंदर ऐड होगा, तो अब सोचिए सरफेस पे ए भी आया होगा और बी भी आया होगा, यहाँ पे ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। और मान लीजिए ये बी मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, ये बी है, ये बी है, फिर से ये बी मान लें, फिर से ये मान लें, मतलब ऐसे दिखाने की कोशिश करें, कोई जरूरी नहीं है कि जितना मॉलिक्यूल्स बी का होगा या मॉलिक्यूल सी का होगा, हम बस ये आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सरफेस पे ए का भी मॉलिक्यूल्स आ गया होगा, बी का भी मॉलिक्यूल्स आ गया होगा, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स ए था वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या हो चुका है डिसॉल्व हो चुका है, उसका कंपोजिशन सारे जगह हो गया होगा। अब सोचे कि अगर ये प्योर होता, जब ये प्योर होता, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसको हम अपने क्लोज कर रखे हैं, इसको हम लोग क्लोज कर रखे हैं, तो सोचे यहाँ पे जो वेपर बन रहा होगा वो तो किसी का बन रहा होगा, सिर्फ बच्चों यहाँ पे जो वेपर बन रहा होगा वो तो किसी का वेपर बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेपर आएगा तो देखें ये क्या है, प्योर है, ये क्या है बच्चों प्योर है, प्योर बी है, तो प्योर बी के कारण जो वेपर बनेगा उसको हम लोग नोटेशन में क्या देंगे पी नॉट बी देंगे, उसके नोटेशन में क्या देंगे बच्चों पी नॉट बी, मतलब जब ये अकेला रखा हुआ है तो ये वेपराइज हुआ होगा, फिर से इक्विलिब्रियम आया हुआ और वहां वेपर जो बने हुए वो प्रेशर लगा है और वो प्रेशर हम लोग मेजर करके कितना लिख रखे हैं पी नॉट बी लिख रखे हैं, ठीक है। अब इसी में हम लोग सॉल्वेंट ये सॉलिड को मिला दिए, अब सोचे यहाँ पे क्या हुआ सिचुएशन, ये अब हमारा क्या बन गया बच्चों सॉल्यूशन, इसमें ए भी आ गया है और बी भी आ गया, इसका मतलब ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सोचना यहाँ पे क्या सिचुएशन होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये ए मॉलिक्यूल क्या ये ए मॉलिक्यूल वेपर बनाएगा क्या, यहाँ पे ए मॉलिक्यूल का वेपर नहीं होगा, यहाँ पे ए मॉलिक्यूल का वेपर नहीं होगा, ये वेपर भी जो होगा वो किसका होगा बी का ही होगा, क्योंकि बी ही तो सिर्फ वोलेटाइल है, ये तो वोलेटाइल है ही नहीं, तो ये सरफेस पे जरूर आ जाएगा लेकिन वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पे जितना भी मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस ये क्या होगा बी का ही होगा। लेकिन अब सोचे कि यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा, यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा क्या ये बी के कारण ही वेपर ऐसे ए का तो वेपर बना नहीं बच्चों। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे जो वेपर होगा वो सिर्फ किसका होगा, था ए का बोलेंगे या बी का बोलेंगे या दोनों का बोलेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो वेपर बना होगा बी का बना होगा, यहाँ पे भी वेपर जो है वो बी का है, तो दोनों में फर्क क्या बच्चों, यहाँ पे प्योर भी है, इसके अंदर कोई चीज मिक्स नहीं किया हुआ था, इसलिए ये जो वेपर प्रेशर लगाएगा उसका नोटेशन होगा पी नॉट बी, पी नॉट बी का मतलब क्या होता है प्योर वेपर प्रेशर, किसके कारण सब्सटेंस बी के कारण। अब यहाँ पे जो होगा वो वेपर तो बी का ही है तो प्रेशर भी बी का ही होगा, लेकिन इसको हम लोग प्योर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ए सब्सटेंस मिक्स हो चुका है, इसको हम लोग बोलते हैं पी बी, इसको हम लोग
क्या बोल सकते हैं बच्चों पीवी, और यही पीवी क्या कहलाएगा पीएस कहलाएगा, यही पीवी क्या कहलाएगा पीएस कहलाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा एडिशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा उसमें लैंग्वेज लिखा हुआ रहेगा, नोटेशन नहीं लिखा हुआ रहेगा, वहां पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि पी नॉट डी का वैल्यू ये है। हो सकता है हम यहाँ इसको सॉल्वेंट माने, कोई इसको सॉलिड भी मान सकता है, तो जो टर्म का लैंग्वेज लिखाएंगे उसको आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि ये हो गया सॉल्यूशन का, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज क्या हो सकता है, तो इसको तो हम लोग बोलेंगे बच्चों पी नॉट डी को प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी, इसको अब क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बोलना होगा, प्योर इसमें नहीं लगाएंगे, लगाएंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, मतलब ये भी सॉल्वेंट के कारण ही वेपर प्रेशर है, लेकिन तब है जब उसमें हम सॉल्यूट मिला चुके हैं। अब हमें यही कंपेयर करना है, क्या यहाँ और यहाँ वाला वैल्यू कोई फर्क होगा क्या, क्या यहाँ जब ये अकेला था तो ज्यादा वेपर लगा रहा होगा और ये वेपर प्रेशर लगा रहा होगा, और यहाँ जब ये इसके साथ आ गया तब क्या भी कम वेपर प्रेशर लगा रहा होगा, और देखना पड़ेगा वो हम लोग निकालेंगे राव से। तो फिलहाल आप उन दोनों टर्म को ध्यान रखेंगे, पी बी बोला जाए या पी एस बोला जाए, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोल सकते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कौन सा है बी इन सॉल्यूशन बोलना होगा, इन सॉल्यूशन बोलना होगा। लैंग्वेज ध्यान दें क्या कैसे लिए लैंग्वेज लिखा जा रहा है, एक तो ऐसे बोला जा सकता है इसको, दूसरा कि यहाँ का जो वेपर प्रेशर उसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोला जा सकता है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, या इसके लिए और एक और लैंग्वेज हम लोग लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड, ऐसा कुछ भी लैंग्वेज अगर लिखा हुआ है बच्चों तो आप समझ जाना कि ये पीवी या पीएस दिया हुआ है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि लैंग्वेज देगा फॉर्मूला हमारा रिवीजन के साथ रहेगा, तो उस लैंग्वेज से ये पता करना होगा कि किसका वैल्यू आया है। अब देखिए ये तीन टर्म पता चल गया बच्चों, अब हम लोग लगाएंगे राउंड्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउंड्स लॉ। अब देखिए राउंड्स लॉ क्या कहता है, राउंड्स लॉ कहता है कि आप चाहे आप कोई भी सॉल्यूशन ले लें उसका सॉल्यूट किस तरह का है, वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता। इसका एक ही स्टेटमेंट है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन का। अब देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर है, वोलेटाइल सब्सटेंस कौन है बी है, क्योंकि ये सॉल्वेंट बी है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ बी, वेपर प्रेशर ऑफ बी जो होगा, पी बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके मोल फ्रैक्शन का, इसका मोल फ्रैक्शन मान लीजिए सॉल्यूशन में एक्स बी है, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है एक्स बी है। अब इसी को अगर हम आगे बढ़ाते बच्चों तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बदले यहाँ पे ये आएगा और ये एक्स बी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन हमारा बन गया, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे क्या करा कि वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके एक्स बी का, ठीक है, तो क्योंकि ये भी कंपोनेंट वोलेटाइल था। अब यहाँ पे समझना होगा कि ये कौन कौन सा टर्म क्या है, तो पीवी के बारे में आपको पता ही, पीवी के बारे में आपको पता है, पीवी क्या है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोले या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बोले इन सॉल्यूशन दोनों एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे अकेला सिर्फ सॉल्वेंट ही प्रेशर लगाना, P नॉट V क्या हो जाएगा बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये ध्यान रखें A और B करके याद नहीं रखें, लेकिन याद रखें कि वेपर प्रेशर किसका होगा प्योर सॉल्वेंट का होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या हम ऐसे कर सकते इसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अगर इन दोनों आपको फर्क समझ में आ रहा होगा, ये भी वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ही है, ये भी वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, लेकिन यहाँ लिखे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और यहाँ लिखा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है उसमें सॉल्यूट मिलाया जा चुका है,
यानी मोल फ्रैक्शन, अब आपको पता चल गया होगा कि P नॉट B का वैल्यू ज्यादा होता है या PB का वैल्यू ज्यादा होता है। यहाँ देखिए PB जो है वो P नॉट B इंटू XB है, इसका मतलब हम यही कह सकते हैं कि XB जो है बच्चों XB का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा है, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन और फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है। अगर ये 1 से छोटा है इसका मतलब PB का वैल्यू क्या होगा, P नॉट B से छोटा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से ये समझ में आ रहा है, इससे ये बताया जा सकता है कि जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, क्या बोले बच्चों, जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर जो कि वोलेटाइल है उसके अंदर अगर हम लोग कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो बच्चों घट जाएगा। कितना से घटेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जितना इसका मोल फ्रैक्शन होगा उतना टाइम से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक हमारा ये इक्वेशन बन गया बच्चों, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहां पे देखें xb क्या है, xb क्या आ गया बच्चों, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन बार बार सबको अंडरलाइन कर रहे हैं आप, a और b करके कभी याद नहीं रखेंगे, ठीक है। हम यहाँ नोटेशन भरे a भी ले रखे, लेकिन ये याद रखेंगे कि b क्या होता है, सॉल्वेंट का होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इसका मतलब कि अगर आपको कभी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के साथ कोई सॉल्यूशन आता है और वहां पे अगर आपसे पूछता है कि बताइए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो आपको क्या क्या निकालना होगा, सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन निकालना होगा लिक्विड फेज में, यहाँ पे कितना मोल फ्रैक्शन है। और बच्चों मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका होगा हमारा, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल लेंगे तो मोल ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे क्या कर देंगे हम टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये दिख रहा होगा सबको टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमारा ये निकल जाएगा। अब सोचना ये है कि क्या हम इसमें सॉल्यूट का प्रॉपर्टी ला सकते हैं, या इसमें भी सब सॉल्वेंट का है, ये भी सॉल्वेंट का है, बस ये सॉल्यूशन में ये प्योर सॉल्वेंट का, ये भी सॉल्वेंट का है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग एक और चीज ला सकते हैं, इसको आगे हम प्रोसीड करें, इसको मिटा दें, ठीक है। अब लेकिन उसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे, आपको एक चीज पता होगा कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ऑल्सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ऑल्सो हमें पता है कि xb प्लस xb बराबर 1, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर तो सॉल्यूट है ही ना, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहां से देखिए xb बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस xb, xb बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस xa, ठीक है। तो यहां से हमारा ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर अब यहां से देखिए क्या होगा, p नॉट b इनटू xb, ठीक। तो अब यहां से आप इसको ऐसे सॉल्व कर दें, pb इनटू xb के जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 माइनस xa, ये भी हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो p not b इनटू xa, ये आ जाएगा pb। अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा pb, हम इसको इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा p not b इनटू xa is equals to p not b minus pb, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये xa मिल जाएगा, xa बराबर हो जाएगा p not b minus ab और divided by p not b, ठीक। अब यहाँ से हमारा ये आ गया। अब देखिए यहाँ से ये तरफ एक दो हमें याद रखना होगा, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें देखिए ये क्या आ गया, सॉलिड आ गया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसको बोलते हैं हम लोग लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम लॉरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों बोले, इसलिए बोले बच्चों क्योंकि अभी आपको बताया गया था कि जब हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो कितना से घट जाएगा, तो वो यही डिफरेंस है बच्चों, ये डिफरेंस यही है कि p not b minus pb, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लॉरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया, किसके रिलेटिव है जरा, प्योर रिलेटिव में। और ये जो है बच्चों, ये जो पूरा टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। यहां से देखिए ये दो टर्म एक्स्ट्रा आया, एक आया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा आया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर आपसे पूछता है तो आपको क्या क्या निकालना होगा, आपको दो चीज पता होना चाहिए, एक तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता होना चाहिए और दूसरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पता होना चाहिए। अगर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपको सॉल्यूशन का नहीं पता है लेकिन प्योर सॉल्वेंट का पता है और वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का निकाल लें और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आ जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने का दो तरीका है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को माइनस करेंगे तो आ जाएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। अब बच जाता है रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट में हम लोग आर एल वी पी भी बोलते हैं, आर एल वी पी भी बोलते हैं। तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग। अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग निकालने का क्या तरीका है, ये पी नॉट पी माइनस पी मतलब ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में डिवाइड कर दीजिए आप इससे प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से तो ये आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के रिलेटिवली ये घटा हुआ, इसलिए इसका नाम होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। या एक तरीका है कि आप सिंगल सिंगल सॉल्यूट का क्या निकालें, मोल फ्रैक्शन निकालें तो भी क्या जाएगा आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो बच्चों इसमें यही दो एक्सप्रेशन है, आप एक ही एक्सप्रेशन याद रखेंगे, एक ही एक्सप्रेशन याद रखेंगे, नहीं तो आप इसी एक्सप्रेशन को याद रखें अपने आप ही याद जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेशन तो आपको याद ही होगा। तो ये याद रखें या ये याद रखें, कोई भी एक याद रख लें, हम तो कहेंगे इसी को याद रखें क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला क्वेश्चन। इसमें हम थोड़ा सा और अभी आगे बढ़ेंगे क्योंकि मोल फ्रैक्शन से हम लोग को मॉलिक्यूलर मास भी निकालना पड़ सकता है। तो यहाँ तक पहले आप लोग लिख लें जल्दी से, फिर हम लोग आगे करते हैं, इसके आगे जल्दी से नोट करें। हो गया इसको मिटाएं, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपको क्या करना है, इसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर दो दे दें कि हमें ग्राफ वगैरह में बनाना पड़ सकता है यहाँ पे। तो जो जो टर्म आपको बताया जा रहा है उसको आप ध्यान रखेंगे तो सवाल यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और हम आगे ले चल रहे हैं। ये एक्सप्रेशन जो है एक्स ए, एक्स ए बराबर क्या लिखा गया है, पी नॉट बी माइनस पी बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी। लास्ट में एक बार समराइज भी कर देंगे सबको, ठीक है। अब जैसे कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या सॉल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने का क्या मतलब, मोल ऑफ सॉल्यूट तो उसका मान लेते हैं एन ए दिया हुआ, उसके बाद क्या करेंगे आप एन ए प्लस एन बी चूंकि मोल ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट, ये सॉल्यूशन का मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, पी नॉट बी माइनस पी बी, पी नॉट बी माइनस ये सॉरी पी बी और क्या आ जाएगा पी नॉट बी, ठीक है। तो आर एल वी पी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। या अगर आप स्टेटमेंट इसके अनुसार लिखेंगे तो आपको ऐसा भी मिलेगा कि इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, इन केस ऑफ यहाँ पे ऐसे लिखें दैट इज इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये कैसा स्टेटमेंट भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, किरॉस लॉ के अनुसार ये भी बोला जाता है कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं तो उस केस में जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालना बच्चों, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को माइनस करेंगे और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर कि क्या क्या डाटा आपको दिया गया है।
हम देखते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, एफ या फॉर करते हैं, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एन ए प्लस एन बी को ऑलमोस्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, एन बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लिखते हैं वेरी डायरेक्ट सॉल्यूशन, अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं कि ये जो एन ए और एन बी है तो सॉल्वेंट का मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगा सॉल्यूट के अमाउंट से, तो इसलिए सॉल्वेंट के अमाउंट में अगर मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग नहीं भी जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम देखिए ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, एन ए अपॉन एन बी, एन ए अपॉन एन बी बराबर या गया पी नॉट बी माइनस पी बी और डिवाइडेड बाय पी नॉट बी। तो ये अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना थोड़ा सा, ये सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जबकि ये सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी से आपको मोल मोल लिखा हुआ किसका सॉल्यूट का, ये ध्यान रखें ए हमेशा सॉल्यूट सभी हमारा सॉल्वेंट है, तो मोल ऑफ ए मतलब सॉल्यूट का मोल, तो मोल बराबर क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय आपका दिन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और फिर नीचे लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्वेंट, इसका मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पी बी माइनस पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी, ठीक है। तो इसी को अगर कोई सॉल्व कर दे तो डब्ल्यू ए अपॉन एन ए गुना एन बी अपॉन डब्ल्यू बी इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे डब्ल्यू ए क्या था, तो ये था वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और एम ए क्या है, एम ए है मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वो डिपेंड करता है आप ये क्वेश्चन यूज करेंगे या ये क्वेश्चन यूज करेंगे या ये क्वेश्चन यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है डाटा के ऊपर या आपसे पूछा क्या जा रहा है। फिर इसी तरीके से जो डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और उसी तरह से अगर एम बी देखिए एम बी क्या बोलेंगे आप, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। या इसका एक और अप्रोच हो सकता है इस इक्वेशन को आसान करने का, जिसमें भी अप्रोक्सीमेशन लगाए हैं ना, ये तो आप तभी करेंगे जब आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तभी आप इस इक्वेशन को ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपको फिर ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा अगर वेरी डाइल्यूट लिखा हुआ नहीं है तब। एक और तरीका है जिसमें हम इसको आसान कर सकते हैं बिना अप्रोक्सीमेशन लगाए, ठीक है। अनदर अप्रोच क्या हो सकता है, अनदर वे, दूसरा मेथड क्या है इसी को सॉल्व करने का, ये जो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी था, ये था पी नॉट बी माइनस ऑफ पी बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी, ये बात समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको उल्टा कर देते हैं लोग, एन ए प्लस एन बी रेसिप्रोकल कर देते हैं इज इक्वल्स टू पी नॉट बी माइनस पी बी डिवाइडेड बाय, रेसिप्रोकल करना है तो पी नॉट बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी माइनस ऑफ पी बी, ये रेसिप्रोकल कर दे दोनों साइड। और दोनों साइड इसमें क्या करें, माइनस वन कर दे, दोनों साइड वन से माइनस कर दे, इसमें माइनस वन घटा दे रहे हैं, वन इसमें भी घटा दे और इसमें भी घटा दे, दोनों माइनस वन घटा, और इसको आप सॉल्व कर दे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो एन ए रहेगा ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए, और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी प्लस पी बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी माइनस ऑफ पी बी, लेकिन ये यहाँ से कट जाएगा ये यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया एन बी अपॉन एन ए बराबर पी बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी माइनस बी। अब इसी क्वेश्चन को भी सॉल्व ध्यान रखिए, इसी क्वेश्चन का आप यूज कब करेंगे, जब आपको मॉलिकुलर मास निकालना हो, मोल में आ गए ना, लेकिन जब हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं मेन इक्वेशन में तो एन ए अपॉन एन बी होता है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों एन बी अपॉन एन ए, मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दिया, इधर रेसिप्रोकल करते हैं यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जाना चाहिए था पी नॉट बी लेकिन बस पी नॉट बी नहीं हो रहा, क्या हो रहा पी बी हो रहा, बाकी पी नॉट बी माइनस पी बी। थोड़ा सा बस फर्क है कि आप बिना एक्सप्लेनेशन या एन बी अपॉन एन ए लिखते हैं यहाँ पे पी नॉट बी नहीं
हाइड्राइड्स को हम लोग यूज कब करेंगे, यूज टू डिटरमाइन, यूज टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट व्हेन व्हेन सॉल्यूशन इज नॉट वेरी डाइल्यूट। जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं है तब तो आप ये इक्वेशन नहीं लगा सकते, तब आप इससे भी निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही इक्वेशन है, आपको बहुत ज्यादा इक्वेशन लग रहा होगा, लेकिन अब हम फाइनली समराइज कर दे रहे हैं इसको कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या इक्वेशन है, अब अगर आप देखें गौर से तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन बना है। फाइनली इस केस में आपको क्या क्या याद रखना, पहला इक्वेशन तो सबसे बेसिक है वो था यही कि PV बराबर हो जाएगा P नॉट V इनटू XV, ये पहला इक्वेशन है। और इसका आप अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहीं पे, इसका आप अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए वेपर प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पे एक और लाइन मोड लेते हैं, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन की लाइन है। इसके ग्राफ में पूछता है बच्चों इसका ग्राफ कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन का लाइन आ रहा है। अब देखें यहाँ पे क्या है कि ये जो पॉइंट है इसके ग्राफ को थोड़ा ध्यान से समझें कि यहाँ पे हम लोग एक्स ए और एक्स बी, यहाँ पे भी मानेंगे एक्स ए और एक्स बी। मैं ऐसा क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन हमें बनाना है तो दोनों कंपोनेंट चाहिए। एक्स इसको जीरो मान लें तो यहाँ पे वन होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का सम हर हमेशा वन होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको अगर हम वन मान लें इसको कितना माना होगा, जीरो माना होगा। लेकिन अगर ये एक्स ए बराबर जीरो और एक्स बी बराबर वन का पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सॉल्यूट है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। अब सोचिए जब प्योर सॉल्वेंट होगा तो उसका वेपर प्रेशर आप कितना मान चुके थे, वी नॉट भी मान चुके थे, ठीक है। या इस एक्सप्रेशन से देखिए, अगर एक्स ए यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हम जाना, जब एक्स बी वन होगा तो पी बी का वैल्यू वी नॉट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन है, मतलब PV है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, PS का ग्राफ है। तो PS अभी इतना है। अब जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे XB धीरे धीरे कम होता जाएगा, XB कम होता जाएगा मतलब कि धीरे धीरे जीरो होता जाएगा। तो ये ग्राफ जो बच्चों वो आपको यहाँ पे मैच करेगा, ये ग्राफ आपको यहाँ पे मैच कर जाएगा। ये हमारा PV बराबर P नॉट V इंटू XB का इक्वेशन, ये ऐसा एक तो पहले लिया गया। दूसरा आप इसको ऐसे याद रखें कि xv बराबर जो है p नॉट v माइनस pv, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन v वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घटा दें और फिर उसी से डिवाइड कर दें, ये हो गया rlvp। ये क्या बच्चों, rlvp। तीसरा हो सकता है lvp, lvp का मतलब लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, तो p नॉट v माइनस pv डिवाइडेड बाय p नॉट भी, कुछ इस तरीके का। ये दो तीन इक्वेशन आप याद रख लेंगे तो सवाल बन जाएगा। और लास्ट में अगर आप याद रखना चाहें तो वो वाला याद रखें, NV अपॉन NA इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, PV हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या होगा, P नॉट V माइनस ऑफ PV, ठीक है। तो ये चार इक्वेशन इसमें याद रखते, इन्हीं चार इक्वेशन से आपका सवाल बनेगा। मेन एक इक्वेशन ये है, आप इसको लगा देंगे हर जगह का बन जाएगा। एक ये याद रखने और एक ये याद रखना है, एलवीपी का आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एलवीपी का मतलब है लर्निंग इन वेपर प्रेशर। प्योर वाले में सॉरी यहाँ दिखाई नहीं होगा, प्योर वाले में सॉल्यूशन का घटा दें तो एलवीपी आ जाएगा, और उसी में डिवाइड कर देंगे फिर से तो ये आरएलवीपी आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा ये पहला पार्ट इसका खत्म हो गया, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लें, ठीक है। हम एक दो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप उसको करके देखिए आराम से बन जाएगा। मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे लिखने, इसमें कह रहा है क्या कि एक 30 ग्राम ऑफ यूरिया, एक 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर, करंट इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 300 mmHg, देन कैलकुलेट। पहला कह रहा है
कि आपको बताना है LVP, LVP यहाँ पे LVP होगा मतलब लोई वेपर प्रेशर, दूसरा कह रहा RLVP, तीसरा आपसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और चौथा आपसे पूछ रहा है मोलरिटी, और पांचवा पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग, ये सब आप बना सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें ये आएगा कि what should be the mass of glucose, mass of glucose dissolved in 180 kg of water, 180 kg of water to reduce vapor pressure, to reduce vapor pressure of solution by 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके से कि इफ 30 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 570 mmHg, then determine molecular weight of solute। तो इस तरीके के इसके ऊपर सवाल आए बच्चों, ये तीन सवाल दिया हुआ, उसको ट्राई करके सेमिनार के बना के भेजेंगे। ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम इसको फिर से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे और इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जब हम लोग वोलेटाइल सॉल्यूशन, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर वोलेटाइल सॉल्यूट को भी ऐड करेंगे तो वहां पे दोनों वेपराइज होगा, दोनों वेपराइज होगा तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी होगा, वो दोनों के कारण होगा। तो आप इसको बना के देखेंगे, ठीक है, नहीं हम अगले लेक्चर में इसको फिर से बना देंगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।